हिंदू धर्म के महान ग्रंथ रामायण के किस्से कहानियों से तो सब परिचित हैं। हनुमान की भक्ति के बारे में भी सब जानते हैं। वो प्रभु श्री राम के सबसे बड़े और सबसे प्रिय भक्त थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि श्री राम हनुमान को मौत के घाट उतारने के लिए तैयार हो गए? यही नहीं, जब हनुमान जी की मृत्यु प्राप्ति नहीं हुई तो उन पर ब्रह्म अस्त्र से प्रहार भी किया। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं ज्ञान की बात। ऐसा क्या हुआ था कि भगवान राम को उनके सबसे प्रिय भक्त को मृत्यु दंड देना पड़ा? एक बार सभी महान संत और ब्राह्मणगण श्री राम की सभा में उपस्थित हुए। देवर्षि नारद, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र जैसे बड़े बड़े विद्वान वहाँ चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए थे। क्या राम का नाम भगवान राम के अस्तित्व से बड़ा है? संकट मोचन हनुमान भी इसी सभा में मौजूद थे, लेकिन वे कुछ भी नहीं बोल रहे थे। चुपचाप मौन अवस्था में वे मुनिगणों की चर्चा को ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। नारद का मन था कि भगवान राम का नाम स्वयं भगवान राम से भी बड़ा है और ये साबित करने का दावा भी किया। अब चर्चा खत्म हुई तो सभी साधु संतों के जाने का वक्त हुआ। नारद भी चुपके से हनुमान से सभी ऋषियों का सत्कार करने के लिए कहा, सिवाय विश्वामित्र के। दलील ये थी कि विश्वामित्र तो एक राजा है। हनुमान ने बारी बारी से सबका अभिनंदन किया, पर जैसा नारद ने समझाया था, विश्वामित्र को जानबूझकर हनुमान जी ने अनदेखा कर दिया। अब अपना उपहास देखकर विश्वामित्र क्रोधित तो उठे, वह गुस्से में तलमला रहे थे। विश्वामित्र ने राम से हनुमान की इस गलती के लिए मृत्यु दंड देने का वचन लिया। भगवान राम हनुमान जी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन विश्वामित्र भी उनके गुरु थे। गुरु की आज्ञा ना टल जाए इसलिए राम ने हनुमान को मृत्यु दंड देने का निश्चय कर लिया। हनुमान को जब इस बात का पता चला कि श्री राम उन्हें मारने आ रहे हैं तो वे कुछ समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और ऋषि नारद ने उन्हें राम नाम जपते रहने की सलाह दी। एक वृक्ष के नीचे बैठे हनुमान जय श्री राम का जाप करने लगे। राम का धुन लगते ही वह गहरे ध्यान में लीन हो गए। भगवान राम जब वहां पहुंचे तो हनुमान पर आक्रमण हेतु उन्होंने तीर चलाना आरंभ कर दिया, पर राम नाम में लीन पवन पुत्र का एक बाल भी बाका ना हो सका। जब श्री राम ने ये सब देखा तो वे असमंजस की स्थिति में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन सोचा और ये विचार किया कि जो भक्त मेरा नाम जप रहा है उसका मैं तो क्या, इसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने तीर विफल होते देख भगवान राम ने कई प्रकार के अनेकों अस्त्र आजमाए, पर हनुमान के आगे सब विफल ही रहे। क्योंकि राम ने अपने गुरु के वचन का पालन करना था, भगवान राम फिर से महाप्रलयंकर ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किया। भगवान राम का नाम जपते हनुमान पर ब्रह्म अस्त्र का भी कोई असर ना हुआ। पृथ्वी पर प्रलय जैसे संकट बनते देख नारद विश्वामित्र के पास गए और सब सच बता दिया। इसके बाद विश्वामित्र ने राम को वचन से मुक्त कर दिया और देवर्षि नारद ने ये सिद्ध कर दिया कि राम का नाम स्वयं भगवान राम से भी ज्यादा शक्तिशाली है। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जय श्री राम अवश्य लिखे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।